और वही क्या चल सबके कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है सीजन 1 एंड सीजन 2 एलीट पास रिटर्न। जी हाँ, आई एम 100% श्योर आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा कि गरेन ने सबसे रेयर एलीट पास और पुराने आइटम्स को वापस ला दिया जिस इवेंट का नाम रखा गया है हॉल ऑफ एलीट्स। यहाँ पे इन लोगों ने सीजन 1 से लेकर सीजन 5 एलीट पास के सारे आइटम्स को वापस ला दिया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि राइस स्टार, देसी गेमर, तोंडे गेमर एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन दिखाऊंगा कि उनका क्या कहना है इस चीज पे। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो के एंड में मैंने आप सभी लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो सबसे पहले अघोरी गेमिंग का है, आरआईपी सीजन 1-5 एलीट पास, नो मोर फ्री फायर रेयर, खत्म। रेयर बट नाउ नॉट रेयर, लॉबी में अब सीजन 1 सीजन 2 के कंटेंट ही कंटेंट। देन 2B गेमर का है, स्पेंड मोर देन 6 लाख रुपीज ऑन फ्री फायर, ले फ्री फायर। और नीचे उन्होंने दिखाया कि वो लोग सीजन 2 को वापस ला दिए। पुराने प्लेयर का तो इज्जत करो थोड़ा, और उन्होंने नीचे गरेना को टैग कर दिया। देन बिंजेट गेमिंग अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, सब खत्म हो गया। छोटा सा पार्ट आप उनके वीडियो से देखिए। ये देख रहे हो हिप हॉप गाइस, अब किसी काम का ही नहीं है भाई। भाई हम पुराने प्लेयर्स को बहुत घमंड था भाई क्या हमारे पास हिप हॉप सकूरा है भाई। फ्री फायर ने हमें पेल दिया आज। भाई वापस आ रहा है सब, भाई वापस आ गया सब भाई। मैं तो रो रहा हूँ भाई, 2-3 दिन तक मेरे को कोई कुछ नहीं बोलना, मैं सो रहा हूँ ठीक है। सुकुरा क्या कर दिया तेरे साथ भाई, नंगा कर दिया इसको भाई। देन गेमिंग विद करण अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, गेम डेड गुड बाय। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। तो गाइस अभी आप लोगों को पता है गेम के अंदर क्या रखा है और कैसे आप बनाया जा रहा है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप भी फंस जाओगे और मतलब आपको करना पड़ेगा, समझ लो ना। तो प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना, वरना मतलब बहुत गंदा वाला कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब उसके बाद आप रोते फिरोगे, समझ लो। मैं तो चलो काम करता हूँ, कमाता हूँ, इसलिए मैंने लगाया थोड़ा सा ठीक है। तो मतलब करना पड़ा, फंस गया मैं, समझ रहे हो। तो आप भी फंस जाओगे, रोओगे फिर। देन प्रो नेशन का है, ऑल एलीट सीजन 2 इज कमिंग टुडे। देन देसी गेमर्स आज अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किए जहाँ पे वो छोटा सा मैसेज भी दिया। क्या मैसेज था आप देखिए। तो गाइस यहाँ पर सुबह सुबह जैसे मैंने गेम खोला, यहाँ पर मैंने देखा गाइस जितने भी एलीट पास थे 1, 2, 3, 4, 5 सभी एलीट पास वापस आ चुके हैं हॉल ऑफ एलीट इवेंट के अंदर। और गाइस यहाँ पर देखो भाई, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 कितना डायमंड खर्चा होता है देख लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास डायमंड नहीं होगा। तो आप लोग ये सोचो यार, मेरे डायमंड आपका डायमंड, मेरे आईडी आपकी आईडी, बस एंजॉय करो। आप लोग मेरे को देख के इन्फ्लुएंस मत होगा, खर्चा मत करना, बिकॉज बहुत ज्यादा ही खर्चा होता है ठीक है। देन तोंडे गेमर भी एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे उनका ये रिएक्शन था। बाप रे भाई लोग, ये देखो भाई लोग, वो भाई लोग सीजन 4 का मार्क्स। मैंने सोचा था एलीट पास ओनली बंडल्स आएगा, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी आ जाएगा, बैक पैक भी आ जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और बैनर भी आ जाएगा, ये देखो हर एक चीज, ऐसा लग रहा है कि पूरा एलीट पास ही रिटर्न हो गया, नॉट ओनली बंडल, ये देखो हर एक चीज भाई। देन राइस्टार भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी पोस्ट किए थे और वो लिखे ओह, और ऊपर उन्होंने एक गाना यूज किया था जिसका नाम था लाफिंग एट दिस हेटर्स। तो हाँ भाई, ये तो मैंने आपको कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शन दिखा दिया। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, क्या गरेना ने ये सारे पुराने और रेयर आइटम्स को वापस लाके सही किया या फिर गलत। नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि भाई ऑडियंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बोलूंगा फिर किसी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।